Hello students, welcome to the next class. Today in this section we are going to discuss about the scope of the physics. Hum log physics pad rahe hain. What are the different scope of the physics? From where it start and up to where it can be. ठीक है? Physics के scope हमारे कहाँ से चलते हैं और कहाँ तक ये हो सकते हैं? तो physics की जो study होती है, it is a very vital study. ये नहीं कि इसका बड़ा वाइडर सा स्कोप मान सकते हैं हम लोग. ठीक है, बड़े माइनर से पार्टिकल से स्टार्ट होता है इसका स्टडी और बड़े सी ऑब्जर्वेशंस तक हमारी ये स्टडीज जाती है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ द फिजिक्स बोला जाता है. तो यहाँ पे हम कुछ एक पैरामीटर्स हम देख लेते हैं कि भाई फिजिक्स का जो स्कोप है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है. ठीक है, जैसे मान लो हम लोग किसी लेंथ को ही स्टडी कर रहे हैं. ठीक, तो सबसे छोटी से छोटी लेंथ क्या हो सकती है? 10^14. किसका साइज होता है ये? इट इज द साइज ऑफ द एटम और न्यूक्लियस. किसका साइज होता है ये? न्यूक्लियस का साइज होता है. अलोंग विद दिस, इससे लेस देन भी हो सकती है इसकी वैल्यू. जरूरी नहीं कि 10^14 ही हो. हमारे पास एटम जो होता है, एटम का साइज जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10^-8 मीटर का होता है. लेकिन इसका न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो कितना होगा? 10^-5 अप्रोक्सीमेट 15 मीटर. बट इफ यू नो दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द प्रोटॉन्स एज वेल एज द न्यूट्रॉन्स. फर्दर दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स. फर्दर ये भी क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द क्वार्क्स. क्या बोलते हैं इनको हम? क्वार्क्स बोलते हैं. क्लियर हुई बात? ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. नहीं, अब हमारे ऑब्जर्वेशन इससे भी आगे प्रोसीड कर गई है. ठीक है, ना द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. कौन से होते हैं हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स. ठीक, अभी तक जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 169 तक हमारे जो है एलिमेंट्री पार्टिकल हैज बीन डिस्कवर्ड. देयर द नंबर ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच आर कैटेगराइज थ्रू द देयर पर्टिकुलर एनर्जी देयर मासेस. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इनको सभी को कैटेगराइज किया हुआ है. इनको आप आगे जाकर एडवांस स्टडीज में इसको देखोगे कि भाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे या एग्जिस्ट में आए. ठीक है, और इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंगली हम क्या क्या कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा कुछ साल पहले हमारे यहाँ, जैसे स्विट्जरलैंड में एक जिनेवा जगह है, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल किया हुआ था. ठीक है, तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत तो याद होगा तो उसके बारे में सुना होगा. तो दैट एक्सपेरिमेंट वाज़ द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. किसके रिलेटेड था ये? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के रिलेटेड था. क्या किया था? एक 26 किलोमीटर लॉन्ग टनल्स के थ्रू हमने क्या किया था, इसमें 26 किलोमीटर टनल थी एक. ठीक है, टनल बनाई थी अंडरग्राउंड. तो उसमें हमने एक अल्फा पार्टिकल्स को और एक हाइड्रोजन पार्टिकल्स को एक एक्सेलेट करवा करके उनका स्ट्राइक करवाया था एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो हम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्कवर करते हैं. तो ये भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ये कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसका? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. तो हमारी स्टडी जो है फिजिक्स की, ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिक्स के होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के बिहेवियर को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स. तो इन सभी के बीच में आता है. न्यूक्लियो फिजिक्स के बारे में हमने सुना. ठीक है, न्यूक्लियो फिजिक्स में बेसिकली न्यूक्लियस के ही बारे में स्टडी करते हैं. तो इनकी रेंज कहाँ है भाई? लेस देन 14 मीटर. सॉरी, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 10^-14 मीटर्स. क्लियर बात? 10^-14 मीटर से भी छोटी रेंज है. यहाँ से हमारी फिजिक्स जो है वो स्टार्ट होती है एंड इट विल गोज अप टू द 10^14 मीटर और ग्रेटर देन दैट ऑफ द 10^14 मीटर. ठीक है, तो ये दिस साइज इज द ऑब्जर्वेबल साइज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है बट ऑब्जर्वेबल साइज के बीच में भी पॉसिबल दैट साइज में भी ऑफ द यूनिवर्स है. तो इससे भी ज्यादा हमारी फिजिक्स जो है वो वहां तक जाती है. यानी कि छोटे से डॉट पार्टिकल्स के साथ स्टडी होती है और एक बड़े से यूनिवर्स तक हमारे फिजिक्स का जो है एनरोलमेंट होता है. ठीक है, उसी तरह से टाइम का एनरोलमेंट देख लो. टाइम जो हम देखते हैं, छोटे से छोटा टाइम जो हम ले सकते हैं, दैट इज द 10^-22 सेकेंड. एंड दिस टाइम इज ऑफ बट ये टाइम जो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का टाइम होता है, एग्जिस्टेंस का टाइम होता है. कितने टाइम के लिए? ऐसा नहीं है कि भाई ये एलिमेंट्री पार्टिकल एक साथ रहती हैं, दिखाई देते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है. दीज आर वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स.
क्या होगा, इनकी एग्जिस्टेंस जो होगी एक बड़े छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होती है। अगर हम कहीं ऑब्जर्व करना भी चाहते हैं तो उनको हम बड़े छोटे से इंटरवल में ही देख पाते हैं। तो दैट कैन बी एट एन एस्ट पावर -22 सेकेंड। वो मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 10^18। क्या भी बात है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मास। मास की स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकती है 10^-33 kg। इतने छोटे मास से हम चलते हैं, किसका एलिमेंट्री का पार्ट, चार्ज पार्टिकल्स का मास होता है, ठीक है। बेसिकली हम एलिमेंट्री के मासेस को हम कभी भी किलोग्राम में मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन मास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जीज की फॉर्म में ही हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेबल साइज मास हो सकता है, दैट कैन बी ए मास होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाट एवर बी दैट, ठीक है। तो इतने छोटे से मास से हमारी स्टडी स्टार्ट होती रही है, कहाँ पे चलती है, 10^55 kg तक चली जाती है। इतना बड़ा वास्ट मास भी हमारे फिजिक्स के ही अंडर आता है। तो ऑल दीस आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट टू द वेरी लार्जर यूनिट, वी हैव द वेरी वाइडर स्कोप ऑफ द फिजिक्स। बड़ी ज्यादा स्कोप है हमारे फिजिक्स में इन सभी चीजों के लिए। क्लियर हुई बात? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्या फिजिक्स इन रिलेशन विद द टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। वो फिजिक्स का जो रिलेशन है, बताओ एनरोलमेंट कैसी है, फिजिक्स का क्या एनरोलमेंट है हमारी सोसाइटी को उसको एनरिच करने के लिए, एज वेल एज द टेक्नोलॉजी में उसका कैसा एनरोलमेंट है। तो फिजिक्स जो है हमारी सोसाइटी एज वेल एज टेक्नोलॉजी में सबसे मेजर रोल प्ले करती है। कैसे ये रोल प्ले करती है, बिकॉज ऑफ दिस फिजिक्स वी हैव डिस्कवर्ड द सो मेनी थिंग, इन्वेंटेड द सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो इन सभी चीजों की वजह से आज हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व दिस, इस पर हम वीडियो बना रहे हैं, मैं इस वीडियो को आपको आपके पास भेजूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी किसकी एडवांसमेंट से, जब हम स्पेसिफिकली फिजिक्स की ब्रांच को स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कौन सी ब्रांच हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को स्टडी करते हैं तो हम इन सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को ज्वाइन अप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के थ्रू उसमें आउटपुट गेन कर सकते हैं। मान लो हमारा एक मोबाइल है, पहले हम मोबाइल की तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते थे भाई, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द न्यू इन्वेंशंस मेड इट पॉसिबल दैट राइट नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो एंड सेंडिंग टू यू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम एज वेल एज द टेक्नोलॉजी का। अब ये टेक्नोलॉजी जो है, फिजिक्स ने जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की, अब उसी टेक्नोलॉजी को हम सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सोसाइटी जो है इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, यूज कर रही है, ठीक है। तो ये सोसाइटी को भी साथ साथ में एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहा है। अब ये लाइट ही देख लो, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द इन्वेंशन फ्रॉम द आल्सो फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स से ही आपकी पर्टिकुलर इन्वेंशन हुई है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से अगर जैसे इन्वेंशन हुई, इलेक्ट्रो डायनामिक मोटर्स देख लो, वेरियस अदर व्हीकल्स देख लो। जब हम व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं तो मोटर्स ये होती हैं, तो वो सारी की सारी जनरली किसकी कैटेगरी के अंडर आती हैं, वो सारी की सारी फिजिक्स कैटेगरी के अंदर ही इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जैसे जैसे हमारी फिजिक्स में टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट करती गई, उसी तरह से हमारी सोसाइटी भी जो है वो एडवांसमेंट की तरफ चलने लग पड़ी, ठीक है। जैसे हमारे पहले क्या होते थे, हम हॉर्सेस का यूज करते थे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। नाउ राइट नाउ वी आर यूजिंग द एरोप्लेन, द एडवांस टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन एक्सेट्रा, वट एवर बी द व्हीकल्स इज देयर सराउंडिंग यू, ठीक है। तो इसी तरह से फिजिक्स ने क्या किया हुआ है, बड़ी ज्यादा एनरोलमेंट किया हुआ है किसमें, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एज वेल एज टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोसाइटी को कर रही है, वो एडवांसमेंट दे रही है, सोसाइटी भी कर रही है, इस चीज का फायदा हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। तो जो फिजिक्स है वो बड़ा ज्यादा एनरोलमेंट है आपका सोसाइटी में एज वेल एज इन द टेक्नोलॉजी में। इधर ठीक है, थैंक यू ऑल।